तो हेलो ट्रेडर्स, आज का ये वीडियो होने वाला है एक शुगर कंपनी के ऊपर। ओके, नॉर्मली हर एक घर में, हर एक डेली लाइफ में शुगर का तो यूज होता ही होता है। तो इसी के ऊपर एक शुगर का शेयर भी हम लोगों ने उठा लिया है अपने चैनल पे। ठीक, तो इस शेयर का नाम है राज श्री शुगर। ओके, इसी में बात करने वाले हैं इसकी क्या अपकमिंग लेवल्स और टारगेट्स रह सकते हैं और क्या ये हम लोग को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और नॉट। ओके, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करते हैं क्या प्राइस चल रहा है इस शेयर का। इस शेयर के प्राइस में बात करें तो 48 रुपीज का प्राइस चल रहा है। ओके, 48.70 रुपीज का प्राइस चल रहा है, ज्यादा महंगा शेयर भी नहीं है। और आज के दिन अगर बात करते हैं इसमें कितनी तेजी देखने को मिल रही है तो 2.15 रुपीज की तेजी आई आज के दिन। परसेंटेज में देखें तो 4.62%, राउंड ऑफ करें तो एग्जैक्टली 5% की तेजी। ओके, एक दिन में कोई शेयर में 5% की तेजी और ज्यादा बड़ा कोई शेयर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 48 रुपीज का शेयर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं क्या लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए और अपकमिंग लेवल्स हम लोग को क्या देखने को मिल सकते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग रेंज बनाते हैं यहाँ पर, देखिए ये एग्जैक्टली हम लोग को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। वेट अ मिनट, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब ऐसा क्यों है, ये रेंज क्यों है और मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बनाया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे जितने बारी आता है, देखो मार्केट फॉल हो रहा था, मार्केट ने आया सपोर्ट कर रहा यहाँ पे और वापस ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट फेल हो गया। ओके, इसी लेवल से फेल हुआ। ओके, वापस यहाँ पुल बैक करा, इस लेवल के आसपास आया और इसी लेवल के आसपास से वापस फॉल आ गया। उसके बाद लगातार ये फॉल चलता ही रहा, कंटिन्यूएशन ट्रेंड में चलता रहा, डाउन ट्रेंड में, बट धीरे धीरे स्लोली एंड साइडवेज टू पॉजिटिव होता जा रहा था स्टॉक। ओके, और अगेन कुछ दिन पहले वापस इसी रेंज पे आया, अगेन फॉल हो गया। नाउ अगेन इट्स टाइम, फिर से आ चुका है ये टाइम, इसी रेंज पे आ गया है और अब क्या ये फॉल होगा या ये अब की बारी ब्रेकआउट देगा, वो बात करने वाले। ओके, यही डिस्कशन करने वाले हैं, ब्रेकआउट देगा या फॉल देगा। देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ये है अब की बारी ये ब्रेकआउट दे दे, बिकॉज कोई भी स्टॉक देखिए बहुत टाइम से ये लगातार इसी लेवल को डिफेंड कर रहा है, इसको ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है। तो कोई भी स्टॉक अगर लगातार एक ही लेवल को डिफेंड कर रहा है तो एक टाइम आने लगता है वो लेवल वीक हो जाता है। एग्जैक्टली लाइक दिस यहाँ पे भी ये लेवल वीक हो चुका है और देखिए डाउन साइड की ट्रेंड लाइन धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी अपसाइड रैली भी करती हुई आ रही है। ओके, स्टॉक क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना सपोर्ट अपसाइड में शिफ्ट करता जा रहा है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ड्यू टू ये अपसाइड शिफ्ट होने, स्लाइड अपसाइड मोमेंटम की वजह से हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले, वो भी जेन्युइन ब्रेकआउट, ना कि फॉल्स ब्रेकआउट। अब बात करते हैं हम लोग को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पर बाय नहीं करना है। ठीक, देखो ब्रेकआउट आए तुरंत बाय नहीं करना है। ओके, अब आप लोग कहोगे भाई क्यों नहीं करना है, देखो यहाँ पे भी तो ब्रेकआउट आया था और लोगों ने यहाँ पे भी बाय करा था, अभी तक उनका पैसा फंसा हुआ है, इतने टाइम हो चुका है वो लोग अभी तक पैसा फंसाए हुए हैं। मेरे पास अभी भी कमेंट्स आते हैं बहुत सारे लोगों का कि क्या करना चाहिए। तो ये टाइम आ चुका है, ब्रेकआउट आए रिट्रेसमेंट करने, डाउन साइड यहाँ रिट्रेसमेंट करे, सस्टेन करे मार्केट इसके ऊपर, देन हम लोग यहाँ पे 51 या 52 रुपीज के पास बाय करेंगे, वहां से रैली अपसाइड में मोमेंटम में स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो वेट करेंगे, जब तक ये रैली स्टार्ट नहीं होती है 52 के ऊपर या 51 के ऊपर अपने आप होल्ड नहीं करता है, सस्टेन करना चाहिए मार्केट, तभी हम लोग बाय करने वाले हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हम लोग का 48 रुपीज का स्टॉप लॉस साथ 51 से लेके 52 रुपीज के पास बाय करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स हम लोग का रखने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट 57, सेकंड टारगेट 60, थर्ड टारगेट 65 रुपीज का, थर्ड टारगेट हम लोग का लास्ट टारगेट होगा बिकॉज 65 रुपीज के पास बहुत बड़ा रिजेक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, तो आई होप आज की वीडियो क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन या दिक्कत हो रही हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम लोग आपके कमेंट का रिप्लाई 101% देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑन लर्निंग।